बस्मिलीम डर स्टूडेंट्स असल वंस अगेन वीड स्टार्ट विद लेक्चर नंबर इलेवन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर बेसिकली इन द डिस्कशन ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क पिछले कुछ चैप्टर से हम लोग लैंड जो हैं द फस्ट टाइप ऑफ नैटवर्क उसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं और इन द लास्ट चैप्टर वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ कैन वी एक्चुअली अकम्पलिश द हार्डवेयर एड्रेसिंग

एक बनाते हैं एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए और किस तरह से उसे ट्रांसमिट करते हैं स्टूडेंट्स आइए इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे उनको एक छोटा सा रिव्यू देते चलें स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड ऑफ़ द लास्ट लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ मल्टी कास्टिंग और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मल्टी कास्टिंग एज अ सबसेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली द प्रोसीजर इज़ एग्जैक्टली द सेम एज ब्रॉडकास्टिंग एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स कि जिस तरह से वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स जो हैं वो बगैर उनको प्रोसेस किए लैंड एंडरफेस हार्डवेयर जो है एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम को सी पी यू को जो है वो ट्रांसमिट कर देता है या फॉरवर्ड कर देता है मल्टी कास्टिंग में इस तरह से नहीं होता मल्टीकास्टिंग में वट यू डू इज बेसिकली अशीन इज़ सपोज टू टेल इट्स लैंड एंडरफेस हार्डवेयर दैट दिस इज़ द मल्टी कास्ट एड्रेस एंड इफ अ फ्रेम कम्ज इन

वो उस फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच होगा तो इन दैट स्पेसिफिक केस आर मशीन इज गोइंग टू एक्चुअली रिसीव अ कॉपी, द लैन इंटरफ़ेस हार्डवेयर इज़ एक्चुअली गोइंग टू पास ऑन अ कॉपी टू दीपी सीपीयू, अदरवाइज वो सीपीयू को डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड द लैन इंटरफ़ेस फेस हार्डवेयर विल डिस्कार दैट फ्रेम स्टूडेंट्स मल्टीकास्टिंग की थोड़ी सी बात की और उसके बाद वी एंटेड इन द डिस्कशन ऑफ फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि बेसिकली वेनवर वी हैव टू फॉवर्ड अ फ्रेम टू अट इज़ नेसेसरी दैट द रिसीवर इज बींग टोल्ड दैट वट काइंडटा इज बींग प्रजेंट इन दैट फ्रेम अब स्टूडेंट्स ये ये डेटा की जो टाइप है ये हम किस तरह से उस रिसीवर को बता सकते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने दो डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हैं उनको स्टडी किया था बेसिकली एक्सप्लेसिट फ्रेम टाइप एंड देन इम्प्लेसिट फ्रेम टाइप और मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेसिट के केस में Basically, the network hardware designers they include a type field inside the network or the frame header taraf, implicit ke case, mein, there is no type field embedded inside the header so in this specific case the sender and the receiver they must coordinate to actually decide what specific kind of frame format are they going to use Uske baas, students a journal frame format ki. मैंने आपको बताया कि एक फ्रेम जो है बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू जेनेरिक पार्ट्स टू बेसिक पार्ट्स पहला पार्ट जो है दैट इज आर नेटवर्क हेडर और द फ्रेम हेडर एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द डेटा एरिया और द पे लोड एरिया तो ये दो हमारे बेसिक पार्ट्स हैं और फिर इनकी फर्दर हम लोग डिविजन किस तरह से करते हैं और कौन सी फील्ड्स हैं जो इन दोनों बड़े पार्ट्स के अंदर एम्बेड की जाती हैं तो उनको देखने के लिए वी वेंट इन टू अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट फ्रेम फॉमैट स्टूडेंट्स इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट के केस में मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली योर हेडर कंटेन्स थ्री बेसिक फील्ड्स द टू फील्ड्स कंटेन्स द एड्रेस द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस हम लोग पहले ही ये स्पेसिफाई कर चुके हैं और आपको मालूम है कि जब एड्रेस की बात आती है तो हार्डवेयर एड्रेसिंग के केस में अः फ्रेम विल कंटेन टू एड्रेस वन फॉर द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड

वॉज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ एन इथर्नेट फ्रेम फॉर्मैट कुछ और भी आपने इस फ्रेम के अंदर जील्ड्स होती हैं उनको भी स्टडी किया एक प्री एम्बल होता है दैट एक्चुअली टेल्स द रिसीवर दैट अ फ्रेम इज अबाउट टू स्टार्ट एंड देन देर इज अ सी आर सी एट द वेरी एंड टू दैट एक्चुअली मेक श्योर दैट ऑल एरर इफ देर इज एन एरर इन द फ्रेम दैट इज प्रॉपरली डिटेक्टेड और सी आर सी को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं दैन स्टूडेंट्स वी एंटेड इन टू द डिस्कशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रेम्स

पॉसिबल सोल्यूशंस और उनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि नॉन सेल्फ आइडेंटिफाइंग जो हमारे फ्रेम्स होते हैं हाउ कैन वी डील विद दो इन द वेरी लास्ट स्टूडेंट्स वी टॉक लिटल बिट अबाउट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इक्विपमेंट एंड वी कॉल्ड इट एज द नेटवर्क एनालाइजर और द नेटवर्क स्नेफर और मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपका ये जो इक्विपमेंट है दैट इज बेसिकली यूज टू चेकआउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क परफॉर्मेंस किस तरह से वो गैदर करेगा बेसिकली इट विल गो इनसाइड साइड द लोकल एरिया नेटवर्क इन अ प्रोमिस्किस मोड और प्रोमिस्किस मोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ मोड इन विच अ सिंपल कंप्यूटर विद अ लैन इंटरफेस हार्डवेयर एक्टिंग एज अ नेटवर्क स्निफर, इट एक्चुअली मेक्स अ कापी ऑफ ऑल द फ्रेम्स दैट आर बींग ट्रांसमेटेड ऑन टू दैट नेटवर्क इन इन सारे फ्रेम्स की कॉपी जो है अपने पास सेव करने से बट इट वट इट कैन डू इज इट कैन बेसिकली गो एंड चेक द हेडर एनी फील्ड इन दैडर और इट कैन इवन गो एंड चेक द डेटा तो इन इस नॉलेज से बेसिकली वी कैन क्रिएट अटेटिस्टिकल डाटा अबाउट आर नेटवर्क बाई यूजिंग द नेटवर्क स्नेफर और द नेटवर्क एनालाइजर स्टूडेंट ये तो था हमारा लेक्चर नंबर टेन नेटवर्क एनालाइजर के टॉपिक के साथ हम लोगों ने अपने डिस्कशन को यहीं पर क्लोज किया था एंड वी वेंट टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर नाइन ऑफ योर बुक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर टेन को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर नंबर टेन में बेसिकली इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि हम अपनी लोकल एरिया नेटवर्कस के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हार्डवेयर दैट इज नीडेड बाई द मशीन्स इन साइड अ लोकल एरिया नेटवर्क और स्टूडेंट्स इस हार्डवेयर के अलावा हम थोड़ी सी बात कुछ वायरिंग स्कीम्स की भी करेंगे इन वायरिंग स्कीम्स का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था इन द लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वो 10 बेस 5, 10 बेस 2। तो विद रिस्पेक्ट टू आर कॉन्टेक्सट ऑफ फ्रेम्स एंड आर कॉन्टेक्सट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क्स, वी आर गोइंग टू गिव इट अ रिव्यू वंस अगेन अब स्टूडेंट्स बेसिकली वन टॉक अबाउट द लैंड इंटरफेस हार्डवेयर जिसकी हमने लास्ट चैप्टर में बात की तो इस लैंड इंटरफेस हार्डवेयर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि इस लैंड इंटरफेस हार्डवेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए या इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए तो इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई अटन टॉपिक एंड दैट टॉपिक विल एक्चुअली टेकअ इन टू द डिस्कशन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर स्टूडेंट्स बिफोर वी टॉक लिबरली अबाउट आ नेट और अ नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि व्हाई वी नीड अ नेक व्हाई कांट अ नेटवर्क केबल गो स्ट्रेट इनसाइड अ सीपीयू एंड कनेक्ट समवेयर आउट देअर तो इसका बेसिक जो रीजन है हमारे पास इसकी बेसिक जो वजह है हमारे पास दैट इज द डिफरेंस द फंडामेंटल डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ अ नेटवर्क एंड द स्पीड ऑफ द सी ऑफ अ मशीन स्टूडेंट जब हम स्पीड की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि वी हैव टाइप ऑफ इथरनेट टू दैट कैन एक्चुअली वर्क एट वन गिगा बेट्स पर सेकेंड जी बी पी एस बेसिकली और स्टूडेंट्स नॉर्मली वेन यू टॉक अबाउट अ सी पी यू हार्डवेयर तो हमारा सी पी यू का हार्डवेयर का जो क्लॉक है दैट एक्चुअली ऑपरेट्स एट थ्री गीगा हर्ट्स हर्ड्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ हर्ड्स इज बेसिकली साइकिल्स पर सेकेंड तो वेन यू टॉक अबाउट गीगा हर्ट्स स्पीड हमारी क्या है सीपीयू की थ्री गीगा हमारे नेटवर्क की स्पीड क्या है वन गीगाबिट्स पर सेकेंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गीगाबिट बिट इथरनेट स्टूडेंट्स इस केस में अगर हमारा जो सी है वो एक इंस्ट्रक्शन भी अगर कम्प्लीट करे इन वन साइकिल तो स्टिल दिस सी पी यू स्पीड डज नॉट मैच द हाई स्पीड ऑफ आर नेटवर्क क्यों बिकॉज नॉर्मली हर बिट को इंटरप्रेट करने के लिए You need more instructions than just one. Instructions, what You must have learned that in real detail when you basically logic design ka course. And I have explained that basically one instruction normally one cycle may complete. Hoti. And even if it completes in one cycle, still you need more than one instructions for each bit. So there is no match between the speeds of a CPU. And this high speed of your network. Now, students, basically, this fundamental difference that CPU is basically slow and our network is very fast. Now, So, basically, we have a couple of remedies. First of all, I mean, you can just make the network operate at a speed that is equal to the slowest CPU in your network, but it does not make sense. Kiyo? क्योंकि बेसिकली अगर आप उसको स्लोएस्ट सीपी यू की स्पीड पर अपना नेटवर्क ऑपरेट करेंगे तो आपके जो हायर स्पीड सीपी यूज आपके नेटवर्क में प्रेजेंट हैं बेसिकली दे ऑल्सो हैव टू प्रोसेस डेट एट अ स्लो स्पीड उसके अलावा स्टूडेंट्स बेसिकली वट वी कैन ऑल्सो डू इज वी कैन मेक ऑल द सी पी यूज टू ऑपरेट एट द सेम स्पीड दैट इज इक्वल टू द नेटवर्क स्पीड अब यह सीनैरियो भी जो है वो हमारे पास फिजबल नहीं है बिकॉज नॉर्मली you know the the technology changes every day in a network kisi local area network 90% of the times your machines in the network they don't match as far as their specifications you you have a you have pentium 2s in there you have threes uh, in there and you have fours then there are laptops connected so basically it is also not feasible to make all the machines in your in your local area network to operate at the same speed as your network speed. Students, so what is uh, the basic solution to this problem such that we can actually make our network operate at the highest possible speed that that hardware network hardware allows, and still all the CPUs can process that data. Students, so is the basic solution hai?

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन इट अब स्टूडेंट्स ये जो आपका पी सी बी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वी कॉल इट एज द नेटवर्क अडेप्टर कार्ड और द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपका इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स बस तो इसका एक कनेक्शन जो है वो आपके कंप्यूटर के सी पी यू और मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी होगा एंड देन इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड ऑन द अदर एंड टू केबल So basically this is how a network interface card fits inside a computer or CPU ki jaga it is our network interface card that is basically an interface for the network. To agar CPU us speed ke sath kaam nahi bhi kar raha processing uski speed you have wo network ki speed se kam bhi hai. still we're going to have our NIC card a network interface card that can actually work at the same speed एज द नेटवर्क स्पीड एंड दैट कैन एक्चुअली प्रोवाइड काइंड ऑफ अ बफर फॉर यूर मशीन सी पी यू अब स्टूडेंट जब हम नेक कार्ड की बात करते हैं बेसिकली तो नेक कार्ड किस तरह से एक सीपी यू के अंदर फिट होता है बेसिकली हाउ इज इट कनेक्टेड टू द बस केबल वी कैन एक्चुअली गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ यू लोकेट अ फिगर तो आइए स्लाइड पर चले और इस नेक कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को फिगर से जरा और समझने की कोशिश करते हैं अब स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ दिसड इज आयो इंटरफेसिस बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इट जस्ट एक्ट एज अनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक योर डिस्क इट इट जस्ट एक्ट एज अमल आयो इंटरफेस आप ये देखें कि ऑन द मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द सॉकेट इन साइड अ मशीन सीपी

उसकी बैक साइड पे कुछ ओपनिंग्स नजर आ रही है ये ओपनिंग जो है दे बेसिकली आर अलाइंस विद इनपुट आउटपुट सॉकेट सिमिलरली आप देखें मोस्ट राइट हैंड साइड वी हैव प्रोसेसर अमरीपोन एंड दी सॉकेट आर अटैच टू दीज कंपोन बाई यूजिंग दिस बस अब अगली साइड में आपको ले चलता हूं एंड नेटवर्क कनेक्टर फॉर दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप ये देखें कि जब हम वर्टिकली इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बेसिकली इंस्टॉल करेंगे इन सॉकेट्स में जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताई तो बेसिकली यू नो द बैक पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज गोइंग टू अपियर फ्रॉम द ओपनिंग एट द बैक ऑफ द कैबिनेट तो आप ये देखें कि नेक प्लग इन टू सॉकेट इन साइड द कंप्यूटर इज शोन आउट हेयर एंड इट इज बेसिकली वर्टिकल इन पोजिशन और इस केस में द कनेक्टर ऑन द नेक इज एक्सपोज ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर तो ये जो नेटवर्क कनेक्टर है बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे कनेक्टर नजर आ रहा है नेक का जो कि पीछे से आपकी कैबिनेट की बैक साइड से एक्सपोज हो गया है बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज दिस कनेक्टर टू अटैच अ नेटवर्क केबल विद दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अब स्टूडेंट्स दर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट देट आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई अबाउट दिस नेक और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो ये है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और नेक कार्ड्स they use a specific process that is known as dma direct memory access a student sees a processor that basically allows the nic to operate as an isolated piece of equipment from the computer's cpu Ab isolated from the computer cpu means that basically NIC that does not interfere with the processing of a cpu for example, if a CPU a computer CPU has some specific data to send so this case CPU packet banayega, and then it will pass on that packet to the network interface card a network interface card jo hai, it is nick's responsibility to basically access the network to basically access the medium Wo details. जो हमने देखी थी वो सी एस एम ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक कार्ड द नेटवर्क एडाप्टर कार्ड और द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सीपीयू ने पैकेट बनाया उसनेक को पैकेट फॉरवर्ड कर दिया एंड देन द यू कीप्स ऑन डूइंग इट्स नॉर्मल प्रोसेसिंग एज पर नॉर्मल लोड द सी डज नॉट नो वट द नेक एक्चुअली डज विद दैट पैकेट इट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी

डेटा को रिसीव किया एंड इट प्लेस द डाटा इनसाइड दैट मेमोरी वेन दैट रिसेप्शन इज कम्पलीटेड तो वो क्या करेगा इट बेसिकली विल यूज द इंटरप्ट मैकेनिज्म ऑफ दैट सीपीयू टू टेल द सीपीयू दैट आई हैव फिनिश्ड द रिसेप्शन आई हैव फिनिश्ड रिसीविंग ऑल द डाटा और आई हैव फिनिश्ड सेंडिंग वट यू एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड मी टू डू स्टूडेंट इस तरह से आपका जो नेक है

स्टूडेंट जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं इस स्लाइड में बेसिकली यू हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और आप ये देखें कि राइट साइड जो हमारी है दैट इज द बैक ऑफ द कैबिनेट आपके सी पी यू की बैक साइड है और आप ये देखें कि जब हम नीचे सॉकेट्स मौजूद हैं जब हम इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को उस सॉकेट में हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो इसका नेटवर्क कनेक्टर है दैट विल बी एक्सपोज्ड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द सी पी यू अब यह सॉकेट जो, जो आपको नजर आ रही है नीचे ब्लैक रंग की सॉकेट्स आपको नजर आ रही है कि जिसमें यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जाके फिक्स हो जाएगा तो इन सॉकेट्स का एक बस के जरिए कनेक्शन है विद द सी पी यूज मेमोरी एंड ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ दैट कम्प्यूटर तो नेटवर्क केबल राइट हैंड साइड पर जो आपका एक्सपोजर है ऑफ द नेटवर्क कनेक्टर उस पर जाके लगेगी एंड दिस नेटवर्क कार्ड विल वर्टिकली इंसर्ट इन द सॉकेट एंड देन कनेक्ट With the rest of the computer components. Students, a core slide that actually shows you another type of NIC, or a case, I will explain karunga that this NIC is basically for a specific type of Ethernet, and the network cable actually connects into the top right blue part. This is another network interface card, and as I have already told you, it consists of a printed circuit board and it has

देर आर सम नेक्स दैट कैन एक्चुअली बी यूज विद डिफरेंट बट सिमिलर हार्डवेयर इसी लेक्चर में मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल दूँगा कि बेसिकली जो हमारी इथरनेट टेक्नोलॉजी है दैट इथरनेट टेक्नोलॉजी बेसिकली यूजेज डिफरेंट नेक्स विद अ सिमिलर पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे थिक थिन एंड टेन बेस टी इथरनेट टाइप्स स्टूडेंट ये बेसिक सा एक एक्सप्लेन थी ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आइए अब कुछ चल के देखते हैं कि बेसिकली हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है हाउ डज इट एक्चुअली इंटरफेस विदिजिकल नेटवर्क स्टूडेंट्स दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वर्ट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग कई केसेस में आपका जो नेक है दैट विल एक्चुअली कंटेन ऑल द नेसेसरी हार्डवेयर टू कनेक्ट इट टू दैटवर्क तो इसके लिए हमें कोई सेपरेट डिवाइस जो है उसके लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम डायरेक्टली एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को वी कैन एक्चुअली प्लग द नेटवर्क केबल इन साइड दैट कार्ड ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स वी डू हैव अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिनके केस में वी बेसिकली नीड एडिशनल सर्कटरी बेसिकली नीड एडिशनल हार्डवेयर टू कनेक्ट दैम टू द नेटवर्क अब स्टूडेंट्स एज अपोजिंग टू दिस फैक्ट मैं आपको इसी टॉपिक में आगे चल के बताऊंगा बेसिकली कि देर आर सम टेक्नोलॉजीज़ फॉर विच मल्टीपल स्कीम्स कैन बी यूज किस तरह से एक नेक जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है वी कॉल इट एज अ वायरिंग स्कीम एक लोकल एरिया नेटवर्क में जब एक नेक के कनेक्शन को आप डिफाइन करेंगे विद एन एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क Do we actually call it as a local area network or a LAN wiring scheme? Or students, sometimes the LAN wiring scheme for different technologies are different. But a case that we are going to see in this specific uh, lecture is Ethernet ka case. Or this case mein, students have basically technology remains the same. We will be talking about the Ethernet all the way. Lakin, there are multiple wiring schemes that can actually work with an Ethernet network interface card. Students, to start off with, we are going to actually talk about the first type of wiring schemes, and that is the thick Ethernet. Students, that is the thick Ethernet, that we talked about in the course of data communication. थिक इथरनेट वी कॉल इट एज अ थिक्थरनेट बिकॉज इट एक्चुअली कंसिस ऑफ अ वेरी लार्ज क्वैक्ल केबल्स इसको हम बेसिकली थिक नेट भी बोलते हैं बट द फॉर्मल नेम फॉर थिक इथरनेट इज टेन बेस फाइव जी हाँ ये वही टेन बेस फाइव है फिर जिसको मैंने बड़ी डिटेल से ये टेन को और फिर बेस को और फिर फाइव को हम लोगों ने डिस्कस किया था वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड स्कीम्स इन डेटा कम्युनिकेशन अब स्टूडेंट्स इस थिक नेट केस में या थिकर नेट केस में जैसे मैंने आपको बताया किबल इज यूज बिकॉज ऑफ विच वर्ड थिक्स इन टू दिस स्पेसिफिक वायरिंग स्कीम और इस केस में बेसिकली वी हैव टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ थिक नेट पहला कंपोनेट जो है दैट इज ऑफकोर्स अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड स्टूडेंट जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है दैट इज गोइंग टू एक्चुअली डील विद ऑल द डिजीटल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इट विद द डिजिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरफेसिंग विदवर्क डिजिटल एस्पेक्ट क्या हैं बेसिकली इट्स गोइंग टू डील विद द एर करेक्शन फॉर एग्जाम्पल सी आर सी इट्स गोइंग टू चेक द सी आर सी ऑफ द इनकमिंग फ्रेम्स मेक श्योर दे आर करेक्ट देन इट्स गोइंग टू सी वेदर The CRC information is properly attached to the frames that are outgoing frames. Similarly, what are the other digital aspects? Students, our digital aspect is basically, how can you recognize the address? So, the address recognition is also a function of a network interface card. Nick is frame, and it is actually going to identify, it is actually going to match the destination address with the physical address of the CPU or the broadcast address or if present the multicast address. So digital expects like CRC like error correction and the address recognition these are the functions of a network interface card. Now students, the major component is basically that is the transceiver. कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इट डज नॉट डील विद द एनालॉग एस्पेक्ट्स ऑफ योर सिग्नल इट विल नॉट कन्वर्ट द बिट्स फ्रॉम द मशीन इनटू एनालॉग सिग्नल सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द क्वेक्ल केबल दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द थिकनेट। तो फिर ये काम कौन सी हार्डवेयर डिवाइस करेगी बेसिकली दैट डिवाइस इज नोन एज अ ट्रांसीवर ट्रांसीवर जो है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड

डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ थिक नेट बाई यूजिंग अ फिगर स्टूडेंट दिस इज थे आप ये देखें कि हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इथरनेट को ही स्टडी करेंगे द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी और उसके केस में पहली वायरिंग स्कीम जो आपने देखी दैट इज थिक ईथरनेट अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है दैट इज बींग शोन आउट ही देखें कि जो तीन बॉक्सेस आपको बॉटम पर नजर आ रहे हैं दीज आर बेसिकली आर मशीन्स और द कंप्यूटर्स एंड वी हैव द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स ऑन द बैक ऑफ दीज मशीन्स अब फिर ये देखें कि ए यू आई केबल जो है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस केबल एक्चुअली कनेक्ट्स दीज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स टू द ट्रांसीवर्स नेक्स्ट डिजिटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे और ट्रांसीवर्स जो हैं वो एनालॉग एस्पेक्ट्स को देखेंगे अब ये सारे ट्रांसीवर्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे बाई यूजिंग अ थिक इथरनेट केबल और अ लार्ज क्वैगजल केबल स्टूडेंट्स इस केस में एक एडिशनल कंपोनेंट जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा दैट इज अ टर्मिनेटर स्टूडेंट्स लाइन के एंड को हम लोग टर्मिनेट क्यों करते हैं वाई डू वी हैव दिस टर्मिनेटर एट द वेरी एंड स्टूडेंट्स टर्मिनेटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम लाइन के एंडस को इस थिक इथरनेट केबल के एंड को अनटर्मिनेटेड छोड़ दें तो बेसिकली दीज एंड विल एक्ट जस्ट लाइक

तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वैलड सिग्नल बट द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इज नॉइज और इसी नॉइज़ जो है इससे बेसिकली एक और हमारा जो और फैक्टर है जो कि बेसिकली टर्मिनेट होगा दैट इज गोइंग टू बी द आर एक्सेस मैकेनिज्म मैंने इथेनेट के केस के में आपको सी एस एम ए सी डी की थोड़ी सी एक्सप्लेशन दी थी और उस एक्सप्लेशन में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वेन एवर अ कंप्यूटर इज गोइंग टू सेंस द कैरियर और उसको अपने भेजे हुए सिग्नल के अलावा लाइन पर कोई और सिग्नल जो है वह मिलेगा या फिर उसको एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो इट विल कंसिडर इट एज अ नॉइज एंड इट विल बेसिकली ट्रिगर द बैक ऑफ मैकेजम बाइनरी एक्सपिनशियल बैक ऑफ तो ये टर्मिनेटर जो है ये होना बहुत ज़रूरी है इस केस में बिकॉज दिस विल एक्चुअली प्रिवेंट अ बिग डिसरप्शन

That basically carries many pair of wires. Though pairs, basically they are used to carry the bits from the neck to the transceiver and then electrical signals from the transceiver all the way to the neck. Alava, students, there are other wires too. For example, there are some wires using which a network interface card can control a transceiver.

उस हर ट्रांसीवर में से हम लोग कनेक्शन जो है वो दे सकते हैं टू अ सेपरेट कंप्यूटर इन एवरी रूम लेकिन स्टूडेंट्स कई सिनेरियोज में दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एग्जांपल इफ यू आर विजुअलाइजिंग क्लासरूम लैब एक यूनिवर्सिटी की लैब को विजुलाइज करें उस स्पेसिफिक केस में हमारे पास एक ही कमरे में वी हैव फिफ्टी टू हंड्रेड कंप्यूटर्स इन दैट लैब तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो में इट इज वेरी डिफिकल्ट

If your computers are present very close together, so it's going to be even difficult to actually connect uh, an AUI cable to, to transceivers for each of these network interface cards. Students, engineers have also devised a solution for that. And the solution for that is connection multiplexer. connection multiplexer case basically connection multiplexer is just एनदर ट्रांस्यूअर विद मल्टीपल पाउट्स तो इस केस में क्या होगा कि ऑल द नेक्स द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द ए यू आई केबल फ्रॉम दोज नेक्स गो एंड डायरेक्टली कनेक्ट टू दैट मल्टीप्लेक्सर और वो जो मल्टीप्लेक्सर है दैट विल एक्चुअली सेंड अ सिंगल केबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑल द वे टू दिक इथेनेट केबल स्टेंट्स इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए आइए स्लाइड की जाने पर चलते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि बेसिकली वी हैव अ सिंगल मल्टीप्लेक्सर और आपका मल्टीप्लेक्सर के साथ यू हैव मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल और आपके तीनों डिवाइस जो कि के पिछले केस में डायरेक्टली ट्रांसीवर के साथ स्थित इथरनेट केबल पर अटैच थी इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो ऑल केबल्स द ए केबल्स दे एक्चुअली अटैच फ्राम द मशीन्स फ्राम द नेक्स इन दैट मल्टीप्लेक्सर और फिर एक इसकी आउटपुट पोर्ट है मल्टीप्लेक्सर की दैट गोज ऑल द वे टू द ट्रांसीवर ऑन द थिक इथरनेट केबल अब स्टूडेंट्स इन अदर इन द एसेंस वी कैन अंडरस्टैंड इज फ्रॉम दिस फिगर दैट अ कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर बेसिकली कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल ट्रांसीवर तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंप्यूटर की ए यू आई केबल जो है वो मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्टेड है एंड देन An AUI cable from the multiplexer goes to the Ethernet coaxial cable. So, this is how you can actually visualize a university lab in which multiple computers are present and you have to connect them by using a thick Ethernet. Students upko is figure se Chalou, basically this multiplexer does not actually work as a star network, do not confuse this with a hub. This is not a hub, this is just a multiplexer. So it will basically allow your Ethernet to work in a similar fashion as we have already talked about. Agar a computer was multiplexer packets send karega those packets copy subcomputers ko send ki jayegi, as with a normal Ethernet. Similarly, this multiplexer also enforces csma C D as an access mechanism, and then it will basically work. As a similar Ethernet technology to the other technologies, and it will also work in the form of a bus. So, do not confuse it with a star or a hub sitting in between to which different computers attach, or this concept ko chapter may for all details explain karunga when we will be talking about the difference between the physical topology and the logical topology. Students, this was our connection multiplexing. Uh, students, this was our first type of wiring scheme that is normally used in the case of Ethernet, the local area network that, that we we are actually you know studying an example of, and that is the bus network Ethernet. Students, you see, technologically we use another type of wiring scheme, and that is known as thin net. Yeah, thin Ethernet, or formally it is known as 10 base Ethernet. अब स्टूडेंट्स थिन नेट और थिक नेट में बेसिक फर्क क्या है तो बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल्ड डिफरेंसेस बिटवीन देम एक बेसिक फर्क तो ये है एक बड़ा जनरल सा फर्क कि थिक नेट को थिक नेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज और अ थिक क्वेक्ल केबल तो थिन नेट के केस में इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ क्वैक्ल केबल बट इन दिस केस इट इज़ अ थिन वर्जन ऑफ दैट कुएक्ल केबल नॉर्मली लाइट एंड फ्लैक्सीबल वर्जन स्टूडेंट्स जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे थिक नेट को थिन नेट के साथ तो देर आर थ्री मेजर डिफरेंसेस द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द कॉस्ट थिन नेट इज अ लॉट चीपर टू इंस्टॉल एंड मैनेज एज कंपेयर टू द थिक नेट उसके अलावा स्टूडेंट्स बेसिकली हम थिन नेट के अंदर जो नेक्स या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं दे डोंट यूज एन आउटसाइड सर्किट्री

हम लोग अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर्स आर देयर दैट वी यूज उनको हम बायो कनेक्टर्स या बी कनेक्टर्स बोलते हैं उन कनेक्टर्स को यूज करते हुए वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डायरेक्टली कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर नो नीड ऑफ अ सेपरेट वायर और अ सेपरेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड देन अटैचिंग टू यूर इथरनेट केबल वट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली गो हैड और आप बी कनेक्टर्स को इंसर्ट करें टू योर नेक एंड देन यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स इन योर लोकल एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स स्लाइड की जाने चलते हैं एंड लेट्स लुक एट अ फिगर फ्रॉम व्हिच वी कैन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिन ईथरनेट स्टूडेंट इस केस में आप ये देखें कि जो मैंने आपको लास्ट डिफरेंस बताया दैट ऑल्सो इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर एंड दैट इज के बेसिकली You do not need extra cables from your neck to your Ethernet cable. You that your Ethernet cable is directly aapke ke NIC ke connected to your computer's neck. So, basically, it does not have to be in the hallway ceiling or you know, on the top and stuff like that. It can be you know a flexible cable that can be running on the back side of your tables, it can even lay on the table tops. So, it is basically a flexible form of Ethernet. तो आप ये देखें कि थिं इथरनेट केबल है आपके पास इस केस में एंड सिमिलरली इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बाई यूजिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ कनेक्टर देट आर नोन एज बी एन सी कनेक्टर्स एंड इट्स सिमिलर टू द थिक इथरनेट यू शुड हैव अ टर्मिनेटर एट द द एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर थिन इथरनेट केबल टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्राम रिफ्लेक्टिंग बैक एंड इंटरफेयरिंग विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द क्वेगजल केबल स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इस फिगर में कि बेसिकली एक टी शेप्ड की चीज है कि जिसको हम बी एन सी कनेक्टर जो है वो वो कह रहे हैं और ये टी कनेक्टर जो है दैट अटैच डायरेक्टली टू द नेक स्टूडेंट अगली स्लाइड की जाने पर चलते हैं एंड लेट मी शो यू आर रियल टाइम फोटोग्राफ ऑफ दीज कनेक्टर अब इस केस में स्टूडेंट्स आप ये देखें basically, on the most left hand side, you can see that there is a normal BNC connector. or basically these connectors don't need any extra tools to be connected to the network interface card. You can just you know push on these switches and they will fit onto the network interface card. students center me You can see a small device and this is actually our terminator. ये हमारा टर्मिनेटर है दैट इज एक्चुअली अप्लाइड एट द एंड ऑफ द थिन इथरनेट केबल एंड इट प्रिवेंट्स द सिग्नल्स और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन टू द इथरनेट केबल उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन द राइट मोस्ट साइड यू कैन सी अ टी कनेक्टर अभी देखें कि जो फेस इसका फ्रंट की जानेब है दिस एक्चुअली गोज एंड प्लग्स इन इन टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड देन देर आर टू दर पोर्ट्स और टू अदर एंडस ऑफ दिस टी कनेक्टर इसका एक एंड जो है वो राइट हैंड साइड वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा यूजिंग द थिन ईथरनेट केबल और इसका जो लेफ्ट हैंड पोर्ट है दैट विल भी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाई यूजिंग द सेम थिन ईथरनेट केबल तो स्टूडेंट्स इस टी कनेक्टर से भी आप ये समझ सकते हैं बेसिकली कि इन दिस स्पेसिफिक केस वी डोंट नीड अ सेपरेट केबल रनिंग फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑल द वे

टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इस केस में आप देखें कि आपकी एक थिन इथरनेट केबल या फिर आपकी थिन क्वेजल केबल इन दिस केस टेन बेस टू केबल इन दिस केस इज कनेक्टेड टू दोर्ट ऑफ दिस टी तो आप ये देखें कि आपकी जो दोनों पोर्ट जो ब्लैक केबल्स आपकी दोनों टी के एंड से निकल रही है दीज केबल्स कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स और ये जो फ्रंट एंड है दैट कैन बी कनेक्टेड टू एन एडिशनल कंप्यूटर दिस इज द जनरल केस ऑफ अ थि इथरनेट अब स्टूडेंट्स बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दिस लास्ट लाइट मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि बेसिकली दिस इथरनेट इज यूजफुल जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हों एंड देर लोकेटेड क्लोज टू इच अदर जैसे मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी लैब की एग्जाम्पल दी ऑन द अदर हैंड दिस में ऑल्सो भी अनरिलाएबल अनर रिलाएबल क्यों बिकॉज कोई भी डिसकनेक्शन जो है देट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब द इंटायर सेट अगर किसी भी पॉइंट से आपकी केबल जो है वह डिस्टर्ब हो गई है या फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेन केबल को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो बेसिकली दिस विल एंड अप इन अन प्रॉपर टर्मिनेशन एंड दैट सिग्नल विल बेसिकली इंटरफेयर विद ऑल द रेस्ट ऑफ द सिग्नल्स ऑन द थिन ईथरनेट बाई रिफ्लेक्टिंग बैक स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो मल्टीपल मशीन्स हैं मल्टीपल सीपीयूज़ को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है बाय यूजिंग थिन इथरनेट और इस केस में आप ये देखेंगे कि किस तरह से टी कनेक्टर जो है दैट एक्चुअली गोज एंड फिट्स इनसाइड ईच ऑफ दिस सीपीयूज़ एंड देन एन पोर्ट ऑफ दिस टी कनेक्टर इज यूज टू सेंड टू कनेक्ट दिस थि इथरनेट केबल फ्रॉम वन सी पी यू टू तो ये तीन सी इस केस में आपको नजर आ रहे हैं And this is a local area network that basically consists of three CPUs, and these use thin Ethernet, and all of them are connected uh, to, the, to the network by using this thin coaxial cable and using the T, B and C connectors. The students, this was the basic concept of the second type of wiring scheme that we can use with the Ethernet, and that is the thin Ethernet Yapper thin net, or 10 base 2. Students Abapass T3. जो वायरिंग स्कीम है दैट इज बेसिकली ट्विस्टेड पेयर इथरनेट या फिर 10 बेस टी 10 बेस टी जो है इस टॉपिक को इस तीसरी वायरिंग स्कीम को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आइए आज के लेक्चर की जाने वापस चलते हैं एंड लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ वट वी वेंट थ्रू एन टू लेक्चर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली वी कंटिन्यूड विद द डिस्कशन ऑफ आर लोकल एरिया नेटवर्क हार्डवेयर डिजाइन और हम लोगों ने इस सीनेरियो में अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया विद द स्पेसिफिक रीजन दैट वाई डू वी नीड सम लैन इंटरफेस हार्डवेयर और मैंने आपको बताया कि बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट देर इज अ मेजर और अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द नेटवर्क एंड द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ योर सी पी यू स्टूडेंट्स इन दोनों स्पीड्स को मैच करने के लिए व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हार्डवेयर एंड दैट इज़ नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी हम लोग बोलते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इट बेसिकली यूजेज डी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड यूजिंग दैट इट इज़ एक्चुअली अलाउड टू एक्ट एज एन आईओ डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस जस्ट लाइक अ डेस्क इन योर कंप्यूटर अब आईओ डिवाइस का मतलब क्या है कि बेसिकली इट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर्स सीपी यू कंप्यूटर का सीपी यू जो है इट कैन कीप ऑन प्रोसेसिंग विद इट्स नॉर्मल स्पीड इट कैन कीप ऑन प्रोसेसिंग इट्स नॉर्मल जॉब्स बल्कि कंप्यूटर का सीपी यू जो है दैट विल एक्चुअली वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अब इनका आपस में कनेक्शन किस तरह से होगा मैंने आपको बताया कि बेसिकली वेन एवर आ सीपी यू वॉन्ट टू सेंड समथिंग On to the uh, network. So, it will form a packet and then it will transfer it to the network interface hardware. or per network access or all those kinds of procedures, they are basically the responsibility of a network interface card. Students, so similarly, when you talk about the reception, so basically, network interface card in packets your frames will receive, it will check the frame format, it will check.

About the connection of the network interface card with the physical network. When I you that basically, this depends upon the specific physical topology or the technology that you are using. next, like you have built in circuitry, you have built in hardware. So, basically, you do not need any extra circuitry or device outside that NIC. You have directly your hardware. या अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड देर आर नेक्स देर एक्चुअली नीड एक्स्ट्रा हार्डवेयर सो देट दे केन बी कनेक्टेड टू योर फिजिकल नेटवर्क स्टूडेंट्स एक टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल हम लोगों ने ली इथरनेट की बात की और हम लोगों ने बेसिकली कुछ तीन डिफरेंट काइंड की लैंड वायरिंग स्कीम्स जो हैं उनको डिस्कस करना है एंड आई एम गोड टेल यू दैट दीज थ्री लैंड वायरिंग स्कीम्स ऑल दो दे आर डिफरेंट They basically can be used with a similar technology, Ethernet, thicknet ki baat ki. The first type, thick Ethernet, 10Base Five. You next AUI cable jo hai, wo hui. It went all the way to the transceiver, and then the transceiver sits on your thick Ethernet coaxial cable. Uske baad students connection multiplexer concept jo hai, uski si Basically, thick Ethernet jo hai, because it requires वन ट्रांसीवर फॉर एवरी मशीन तो बेसिकली इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एन एन्वायरमेंट लाइक अ यूनिवर्सिटी लैब इन विच द कंप्यूटर्स आर प्रजेंट वेरी क्लोज टूगेदर तो इस सूरत में हमारा हल क्या है वर्ट्स सोल्यूशन वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ अ कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर सारे कंप्यूटर से केबल्स आईं कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर में लगीं और एक और ए यू आई केबल निकल कर एक ट्रांसीवर में चले गई ऑन द थिक्जल केबल उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी लैंड वायरिंग स्कीम की बात की एंड देट वॉज थिन नेट टेन बेस टू मैंने आपको बताया कि बेसिकली टेन बेस टू जो आपकी क्वेजल केबल है दैट इज़ अलॉट थिनर एंड चीप प्लस फ्लैक्सीबल एज कंपेयर टू द थिकथरनेट कॉस्ट का डिफरेंस है इस केस में हमें ट्रांसीवर्स भी यूज़ नहीं करने पड़ते एंड देन वी डोंट नीड एन एक्स्ट्रा ए यू आई केबल टू रन फ्रॉम द नेक ऑल द वे टू द ट्रांसीवर्स डायरेक्टली आप एक लैन को कन्फिगर कर सकते हैं स्टूडेंट्स so, ये तो थी हमारी दो लैन वायरिंग स्कीम्स फॉर द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इथरनेट एक तीसरी भी हमारे पास लैन वायरिंग स्कीम अवेलेबल है दैट इज प्रिस्टेड पेयर इथरनेट और इस स्कीम की हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में उसके बाद मैं आपको एक्सप्लन करूंगा कि किस तरह से ये तीनों स्कीम जो हैं इनके अपने एडवांटेज और डिसएडवाटेजेस हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदाफिज